चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज का चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है पार्लियामेंट। ये फोर्थ पार्ट है और आई होप कि ये लास्ट पार्ट भी है। चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले पार्ट थर्ड तक हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली थी, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल तक। अब हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अदर ग्रांट्स से, ठीक है। बाकी सारी ग्रांट्स क्या हैं, देखिए सारी जो बजट में जो कंटेंट्स करती हैं ऑर्डनरी एस्टिमेट्स इनकम एक्सपेंडिचर का एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, कई सारे इनके साथ साथ कई सारे दूसरे ग्रांट्स भी होते हैं जो कौन करता है, जो पार्लियामेंट करता है, ठीक है, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या फिर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। जैसे कि समझिए, पहली होती है आपकी सप्लीमेंट्री ग्रांट। क्या होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट? होती है ये जो है वो ग्रांट करी जाती है जब जब ये ग्रांट करी जाती है जब जो अमाउंट ऑथराइज करता है पार्लियामेंट अपने अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। मतलब समझ लीजिए कि पार्लियामेंट ने सपोज करिए कुछ अमाउंट जो है वो अपने अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू जो है वो कुछ पर्टिकुलर सर्विस कोई है कोई सर्विस के लिए कुछ पैसा जो है अलॉट करा, ठीक है। अब हुआ क्या है, वो पैसा पड़ गया कम, एक फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा अलॉट करा गया वो पैसा पड़ गया कम, इनसफिशियंट हो गया उस ईयर के लिए, तो ये पार्लियामेंट ये काम करता है सप्लीमेंट्री ग्रांट कर देता है, ठीक है। सेकेंड फिर आ गया एडिशनल ग्रांट के बारे में। तो देखिए ये ग्रांट तब दी जाती है जब ज़रूरत ऐसी कोई ज़रूरत निकल के आ जाए करंट फाइनेंशियल ईयर में, है ना, कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा है कुछ नई सर्विस के लिए या फिर कोई जो है जो कि उस बजट में नहीं कंटेम्पलेट हो रही है, या मतलब कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया है कुछ नई सर्विस लानी है, तो एडिशनल ग्रांट जो है यहाँ पे अलॉट करी जाती है। तीसरी आपकी एक्सेस ग्रांट, ठीक है, ये ग्रांट करी जाती है जब पैसा जो है स्पेंड होता है किसी भी सर्विस पे फाइनेंशियल ईयर में इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द बजट फॉर दैट ईयर। मतलब मान ली सपोज करिए कि बजट में 100 रुपये उस सर्विस के लिए पर्टिकुलर सर्विस के लिए दिया गया था और उससे ज़्यादा पैसा जो है वो उस पर खर्चा हो रहा है ना, उस सर्विस पे उससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तो ये ग्रांट करी जाती है एक्सेस ग्रांट। इसको वोट कराया जाता है लोकसभा के द्वारा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड बिफोर द डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स आर सबमिटेड टू लोकसभा फॉर वोटिंग दे मस्ट बी अप्रूव बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब मेन मामला ये है कि डिमांड को ये मतलब एक्सेस ग्रांट की जो डिमांड है इसको लोकसभा में सबमिट करने से पहले वोटिंग के लिए सबसे पहले इसको अप्रूव कराना पड़ता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से पार्लियामेंट की, ठीक है। अब वोट ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे, देखिए इसको ग्रांट किया जाता है मीट करने के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स को अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और द इनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डनरी गिवन इन द बजट। हेंस ये एक समझ लीजिए एक ब्लैंक चेक है, इसका कुछ दिया नहीं है, डिटेल नहीं दी होती है और ये दे देते हैं एग्जीक्यूटिव को लोकसभा, ठीक है, ब्लैंक चेक है भैया पैसे, मतलब समझ रहे आप, पैसा निकाल लो आराम से, कि मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई कुछ आ गया तो उसके लिए पैसा है। फिर आई बात यहाँ पे एक्सेप्शनल डिमांड की, ठीक है, तो इसको ग्रांट करते हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए और कोई भी पार्ट नहीं फॉर्म करती है करंट सर्विस का या फिर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद टोकन ग्रांट के बारे में बताते हैं। तो देखिए इसको ग्रांट करते हैं जब फंड जो है टू मीट द प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑन द न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन। मतलब समझिए इसको ग्रांट तब किया जाता है जब जो पैसा है जो फंड्स हैं मीट करने के लिए जो कि प्रपोज एक्सपेंडिचर है, मतलब कोई एक्सपेंडिचर कहा गया है कि एक्सपेंडिचर करेंगे हम लोग, ठीक है, इसके लिए जो फंड अलॉट करे गए हैं, है ना, एक नई सर्विस पे एक प्रपोज नई सर्विस आप कह सकते हो, ये अवेलेबल होते हैं कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन। एक डिमांड जो होती है फॉर अ ग्रांट ऑफ अ टोकन सम ऑफ ₹1 इसको सबमिट करते हैं टू द वोट ऑफ द लोकसभा एंड इफ असिस्टेड तो फंड्स यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाते हैं। अब समझिए रीअप्रोप्रिएशन में क्या आता है, रीअप्रोप्रिएशन में इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर फंड्स का एक हेड से दूसरे हेड में, ठीक है, ये जो है इन्वॉल्व नहीं करता कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर को, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एडिशनल या एक्सेस या एक्सेप्शनल ग्रांट्स ये जो है एक्सेप्शनल ग्रांट मतलब यहाँ तक जो आप बात करेंगे ये सब जो है ये जो वोट ऑफ क्रेडिट है ये सब रेगुलेट करी जाती है सेम प्रोसीजर के द्वारा जो कि एप्लीकेबल होता है रेगुलर बजट में, ठीक है, रेगुलर बजट में जो होता है उतना ही जो है इन सारी ग्रांट्स में भी जो है वो सेम प्रोसीजर यूज़ करा जाता है। फिर हम फंड्स के बारे में बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का वो तीन तरह की फंड्स प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। पहला है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 266 के अंतर्गत आता है। फिर आता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जिसमें आपका आर्टिकल 266 के अंदर ये भी आता है। और आखिरी में कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, आर्टिकल 267 के अंदर आता है ये, ठीक है, बात क्लियर है।
एक-एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये फंड है जिसमें सारे ही जो रेसिपिएंट हैं वो क्रेडिट करे जाते हैं और पेमेंट्स करी जा जो है वो डेबिट करी जाती है। मतलब जितना पैसा आया उसको क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल अकाउंट्स में होता है, और सारी जो पेमेंट दी गई उनको डेबिट कर दिया गया, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में होता है, ठीक है। तो मैं समझाऊँ तो सारे रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो इनकम हुई उसको रिसीव हुई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो आई, और सारे लोन्स जो कि रेस करे गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो आ गए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स और वेज ऑफ मीन्स ऑफ एडवांसेस वगैरह, ठीक है। तीसरी बात की कि सारा पैसा जो कि रिसीव होता है गवर्नमेंट को इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए सारे जो लीगली ऑथराइज पेमेंट होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करे जाते हैं इस फंड के माध्यम से। लीगली ऑथराइज पेमेंट्स को इस फंड के माध्यम से दिया जाता है। कोई भी पैसा, नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड, इशूड और ड्रॉन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। कोई भी पैसा इससे भी फर्जी के लिए आप नहीं निकाल सकते हो, ना ड्रॉ कर सकते हो, ना जो है आप जो है वो इशू कर सकते हो, एक्सेप्ट जब तक के लिए अकॉर्डेंस ना हो एक पार्लियामेंट्री लॉ की। बात क्लियर है। सेकंड अपन बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो काफ़ी कुछ पब्लिक से ही समझ में आ रहा है कि किसका अकाउंट होगा। सारा जो दूसरा पब्लिक का मनी होता है ना, अदर देन दोस जो कि क्रेडिटेड हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। बाकी उनको, उसको छोड़ के बाकी सारा जो पब्लिक का मनी है रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सारा पैसा इस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आ जाता है। इसमें आपका प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट आ गया, जुडिशियल डिपॉजिट आ गया, सेविंग बैंक डिपॉजिट आ गया, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट आ गया, रेमिटेंसेस वगैरह हो गई, और काफ़ी कुछ और हो गया। यह अकाउंट जो है इसको ऑपरेट कराया जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा। मतलब ये कि जो पेमेंट्स है इस अकाउंट से वो करी जाएंगी तभी, मतलब ये आप कर सकते हो बिना पार्लियामेंट्री अप्रोपेशन के, ठीक है। इसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रोपेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे पेमेंट जो है मोस्टली बैंकिंग ट्रांजेक्शन के नेचर के होते हैं। तीसरे की बात करेंगे, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें जो है अमाउंट को डिटरमाइन कराया जाता है लॉ के द्वारा, मतलब विच अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय लॉ एंड आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है उसने इनैक्ट करा था एक कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया का एक्ट 1950, है ना, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। ये जो फंड है इसको प्लेस करते हैं एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड ये कर सकता है एडवांसेस आउट ऑफ इट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ठीक है, पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। मतलब समझ लीजिए कोई अचानक से इमरजेंसी आ गई, है ना, कोई दिक्कत हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई देश को, तो इसमें से पैसा निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। अब जो फंड है ये हेल्ड होता है बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी ऑपरेट होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा। क्लियर हुई बात, आगे बढ़े। तो देखिए आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मल्टी फंक्शनल फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो देखिए क्या है, हमारे इंडियन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पार्लियामेंट ऑक्यूपाई करता है एक सेंट्रल पोजीशन, आपको पता ही है मेन पोजीशन पार्लियामेंट की है, उसमें कई सारे इसके रोल भी हैं ये भी पता है। अब देखिए इंजॉय करता है एक एक्सटेंसिव पावर्स, के पास बहुत पावर्स हैं और कई सारे फंक्शन भी इसको जो है वो फुलफिल करने के लिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपेक्टेड रोल है उसको फुलफिल करने के लिए कई सारे इसके फंक्शन भी हैं। इसके पावर्स और फंक्शन जो है आप क्लासीफाई कर सकते हो कुछ चीज़ों में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स और फंक्शंस की, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव भी आएगा, फाइनेंशियल भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट भी आएगी, जुडिशियल भी आएगी, इलेक्टोरल भी आएगी, और आखिरी में अदर भी आएंगी। सबसे पहले वाला अपन जो डिस्कस करेंगे वो रहेगी लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। तो देखिए जो पार्लियामेंट्री फंक्शन है, जो प्राइमरी फंक्शन है पार्लियामेंट का, ये है लॉ बनाना, है ना, गवर्नेंस के लिए हमारी कंट्री की, आपको पता है। इसमें एग्जीक्यूटिव इसकी इसकी एक्सक्लूसिव पावर होती है लॉ बनाने में, सब्जेक्ट जो कि इन्यूमिनेटेड है यूनियन लिस्ट पे, है ना, और उस पर बना सकते हैं, और रेसिडरी सब्जेक्ट्स जो कि आपका जो प्रॉपर है, मतलब सब्जेक्ट जो कि इन्यूमरेटेड नहीं है तीनों लिस्ट में, इन सब पे ये लॉ बना सकती है, ठीक है। अच्छा विद रिगार्ड टू कॉन्करेंट लिस्ट, अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों ही बना सकती है लॉ, तो पार्लियामेंट जो है उसके पास ओवर राइडिंग पावर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ जो पार्लियामेंट का है वो प्रिवेल करेगा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बात कही और पार्लियामेंट ने कोई बात कही है, तो अगर दोनों में कोई बहस हुई, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो समझ लीजिए पार्लियामेंट का जो लॉ है वो यहाँ पे प्रिवेल करेगा। तो इसकी यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ये भी इम्पावर करता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए उन सब्जेक्ट पे जो कि इन्यूमरेटेड है स्टेट लिस्ट में, और करीब यहाँ पे अभी 59 सब्जेक्ट्स हैं, पहले स्टार्टिंग में 66 हुआ करते थे, ये सब हमने बताया है पहले वाले चैप्टर में। कुछ पांच एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में,
अंडर द फॉलोइंग फाइव मतलब समझिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए सब्जेक्ट्स पे जो कि स्टेट लिस्ट में एन्यूमरेटेड है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, यूनियन लिस्ट पे यूनियन बनाता है लॉ, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या है कि पार्लियामेंट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एम्पावर किया है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकता है इस स्टेट लिस्ट पे भी, ठीक है, कुछ पांच एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि पहले ये कि जब राज्यसभा जो है पास कर दे रेजोल्यूशन उस इफेक्ट में, या दूसरा ये जब एक प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन में चल रहा हो, या तीसरी बात ये जब दो या दो से अधिक स्टेट बनाती है कोई जॉइंट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट से, चौथी बात ये जब जरूरत पड़ती है देने के लिए इफेक्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ट्रीटीज या कन्वेंशंस को, और पांचवी बात ये जब प्रेसिडेंट रूल जो है ऑपरेशन में हो उस पर्टिकुलर स्टेट में, समझ रहे हैं। तो सारे ऑर्डिनेंसेस जो कि इशू करता है करे जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये अप्रूव होनी चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 6 वीक्स आफ्टर इस रीअसेंबली, उसकी रीअसेंबली होने के 6 हफ्तों के भीतर उस पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। एक ऑर्डिनेंस बन जाती है इन ऑपरेटिव अगर ये अप्रूव नहीं करी जाती पार्लियामेंट के द्वारा उस 6 हफ्तों के पीरियड के अंदर। बात क्लियर है। पार्लियामेंट देखिए लॉ बनाता है इन द स्केलेटन फॉर्म, है ना, एक ढांचे की तरह लॉ बनाता है और ऑथराइज करता है एग्जीक्यूटिव को कि उसमें डिटेल रूल्स वगैरह डालें, रेगुलेशंस वगैरह देखें विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट लॉ। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी कहते हैं, या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं, है ना। ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो है इनको प्लेस करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा उनके एग्जामिनेशन के लिए। बात क्लियर है। सेकेंड बात करेंगे यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो इंडिया का है वो एस्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, आप जानते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को अपनी पॉलिसीज और एक्ट्स के लिए। हेंस देखिए पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपने क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन और दूसरे डिस्कशन के माध्यम से। ये सारे मोशंस मैंने पुराने वाले लेक्चर्स में पार्लियामेंट के कवर करे हैं, प्लीज उसे जरूर देखिए, पार्लियामेंट को फर्स्ट से जरूर देखिएगा उसके सारे पार्ट्स, ठीक है। ये सुपरवाइज भी करता है एक्टिविटीज एग्जीक्यूटिव की विद द हेल्प ऑफ इट्स कमेटीज, जैसे कि आपका कमेटी हो गया, गवर्नमेंट अश्योरेंस अश्योरेंस पे कमेटी हो गया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे कमेटी हो गया, पिटीशन वगैरह पे। अब देखिए जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट को इन जनरल एंड लोकसभा को पर्टिकुलर में। एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज हर एक मिनिस्टर इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिनिस्ट्री का जो उसके चार्ज के अंडर आती है। इसका मतलब ये कि ये कंटिन्यू करते हैं ऑफिस में सो लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स इन द लोकसभा। दूसरे शब्दों में बताऊं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिमूव भी करे जा सकते हैं अपने ऑफिस से लोकसभा के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। अब देखिए लोकसभा जो है वो एक्सप्रेस करती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में तीन तरह से। पहला कि बाय नॉट पासिंग अ मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स इनॉग्रल एड्रेस, दूसरा बाय रिजेक्टिंग अ मनी बिल, तीसरा बाय पासिंग अ सेंसर मोशन और एन एडजमेंट मोशन, चौथा बाय डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ वाइटल इशू, और पांचवा बाय पासिंग अ कट मोशन। देयरफॉर जो पहला फंक्शन है पार्लियामेंट का वो आप कह सकते हो कि ये है कि सेलेक्ट करना ग्रुप जो कि फॉर्म करे गवर्नमेंट को, सपोर्ट करे और सस्टेन करे इसकी पावर सो लॉन्ग इट इंजॉयज द कॉन्फिडेंस, एंड एक्सपेल करे इसे जब ये सीज कर दे ऐसा करना, एंड लीव कर दे ये सब लोगों के हाथ में छोड़ दे कि डिसाइड वो मतलब क्या करेंगे डिसाइड नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में। बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि रहेगा फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो नो टैक्स कैन बी लिवाइड और कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी टैक्स या फिर कोई भी टैक्स लिवाइड नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ये काम नहीं कर सकता जब तक के लिए कोई उसे अथॉरिटी ना दे और उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल ना लगा हो। हेंस देखिए जो बजट है इसको प्लेस कराया जाता है पार्लियामेंट के सामने उसके अप्रूवल के लिए। जो इनैक्टमेंट होता है बजट का पार्लियामेंट के द्वारा वो लीगलाइज कर देता है रिसीट्स को और एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट के फॉर द इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब उस साल की क्या रिसीट रहेगी क्या एक्सपेंडिचर रहेगी अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तभी ये बजट जो है आगे जाएगा। पार्लियामेंट देखिए स्क्रूटनाइज भी करता है, गौर से उसको समझता है कि कैसे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, अपने फाइनेंशियल कमेटीज के माध्यम से सारी चीज़ों को समझता है। ये सारी इंक्लूड करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और आपका हो गया कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स वगैरह। ये लेकर आती है केसेस इलीगल इनरेगुलर अनऑथराइज इम्प्रॉपर यूसेज और वेस्टेज और एक्स्ट्रावेजेंस का इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। देयरफॉर देखिए जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर फाइनेंशियल मैटर्स में ये दो स्टेजेस से जो है वो ऑपरेट कराया जाता है। पहला ये कि बजटरी कंट्रोल, इसका मतलब कंट्रोल जो है बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द ग्रांट्स थ्रू द इनएक्टमेंट ऑफ द बजट।
और दूसरा ये है पोस्ट बजटरी कंट्रोल, मतलब दैट इज कंट्रोल जबकि अप्रोप्रिएशन हो जाता है ग्रांट्स का थ्रू द थ्री फाइनेंशियल कमिटीज। अब देखिए जो बजट है ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी पे, इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट देखिए ग्रांट करता है मनी गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर जो ग्रांटेड मनी है ये स्पेंड नहीं हुआ एंड एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब एक साल खत्म होने तक ये इतना पैसा ग्रांट जो करा गया है वो स्पेंड नहीं हुआ, तो जो बैलेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। ये जो प्रैक्टिस है इसको कहते हैं रूल ऑफ लैप्स, जैसे पॉलिसी लैप्स होती है ना, तो ये रूल ऑफ लैप्स है यहाँ पे। ये फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल को पार्लियामेंट के द्वारा, एज नो रिजर्व फंड्स कैन बी बिल्ड विदाउट इट्स ऑथराइजेशन। हाउएवर जो ऑब्जर्वेरेंस है इस रूल की उसकी वजह से काफी रश हो जाता है एक्सपेंडिचर का टुवर्ड द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे साल खत्म होने वाला हुआ तो ये हुआ सारा पैसा खर्च कर दो नहीं तो वापस चला जाएगा, इसको मार्च रश भी कहते हैं, मार्च रश, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। देखिए पार्लियामेंट जो है इसने वेस्ट करा है, इसके पास पावर्स हैं अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बाय द वे ऑफ एडिशन वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी प्रोविजन। जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड करा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से, दैट इज जो मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप की होती है हर एक हाउस की, और मेजोरिटी कम से कम दो तिहाई मतलब 2/3 मेंबर्स होने चाहिए जो प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो हर एक हाउस में। कुछ दूसरे प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो अमेंड करे जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से भी, इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, 2/3 वाली बात यहाँ नहीं आती है। कुछ प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये अमेंड हो सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से एंड विद द कंसेंट ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। समझिए एक तीन तरीके मामला हो गया, एक मामला ये हो गया अमेंडमेंट में, आपने अभी अमेंडमेंट वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा चीजें, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि देखिए एक हो गया कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, मतलब 2/3 वाला जिसमें मामला आता है और दोनों ही हाउसेज के जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। दूसरा हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, और तीसरा आपका हो गया जिसमें क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ और उसके बाद हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे जो है वो कंसेंट की भी जरूरत होती है तो वो भी लेनी है, और वो किससे लेनी है, बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो यहाँ एक स्पेशल, एक हो गया सिंपल और एक स्पेशल प्लस सिंपल, ठीक है। हाउएवर जो पावर होती है इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के सारे तीनों केसेस में, तीनों ही केसेस में ये एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के हाथ में है और स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसका मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पास कर सकती है रेजोल्यूशन और रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट को क्रिएशन के लिए या अबोल्यूशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्टेट में, बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन, है ना, रेजोल्यूशन पे बेस्ड होकर जो पार्लियामेंट है वो एक्ट बना सकता है फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू दैट इफेक्ट। टू सम अप द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन थ्री वेज, ठीक है। सम अप करने के लिए अब बताएं तो आपको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरीके से, कैसे, मैंने आपको बताया सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से, स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से, और तीसरी बाय स्पेशल मेजोरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। बहुत ईजी है, अमेंडमेंट वाला चैप्टर देखेंगे तो क्लियरली बहुत डीपली समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की ये अनलिमिटेड नहीं है, यानी अनलिमिटेड बात नहीं है यहाँ पे, है ना, ये सब्जेक्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन के। दो शब्दों में बताऊं तो जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सेप्ट बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक फीचर्स वाले चैप्टर में साहब कवर हुआ है, ठीक है। इसको रूल करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशव नंदा भारती केस में 1973 में और रीअफर्म कर दिया गया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, ठीक है। अब हम जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए जुडिशियल पावर्स और फंक्शन जो है पार्लियामेंट की इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करती हैं, जैसे कि ये इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट को अगर वो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। प्रेसिडेंट का सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है और एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो इनका इम्पीचमेंट हो सकता है, ठीक है, जुडिशियल पावर्स की यहाँ बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से। तीसरी बात ये कि रिकमेंड कर सकते हैं रिमूवल जजेस का भी, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट्स के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं इन सबका रिमूवल। ये पनिश कर सकते हैं अपने मेंबर्स या आउटसाइडर्स को फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है। सिक्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो देखिए पार्लियामेंट जो है वो पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में प्रेसिडेंट के अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को भी। लोकसभा इलेक्ट करती है उसके स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को भी, वाइल जो राज्यसभा है वो इलेक्ट करती है अपने डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। अब देखिए जो पार्लियामेंट है ये ऑथराइज है लॉ बनाने के लिए टू रेगुलेट द इलेक्शंस टू द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इनेक्टेड द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वगैरह, काफी सारे एक्ट है। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ दूसरे पावर्स और फंक्शंस के बारे में। तो कई सारे देखिए दूसरे पावर्स और फंक्शंस भी पार्लियामेंट के हैं, जैसे कि ये सर्व करते हैं एक हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी के तौर पे इंडिया में, ठीक है। इसमें कई सारे इश्यूज भी डिस्कस करते हैं, चाहे वो नेशनल के हों या इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के हो। दूसरी बात ये कि अप्रूव करते हैं तीन तरह की इमरजेंसी को, इमरजेंसी जानते हैं ना, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को, जो कि प्रोक्लेम करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तीसरी बात यह कि ये क्रिएट कर या अबॉलिश कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी, अगर रिकमेंडेशन उनको मिलती है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो ये क्रिएट भी कर सकते हैं काउंसिल। आपको पता है ना स्टेट में असेंबली होती है और काउंसिल होती है, तो अगर स्टेट ये बात कहती है कि हमको काउंसिल चाहिए, तो यहाँ पे क्रिएशन या अबोलिशन हो सकता है अकॉर्डिंगली, जैसी स्टेट की डिमांड हो ये काम करा जा सकता है इनके द्वारा। चौथी बात यह कि इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एरिया, ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्री और चेंज कर सकते हैं नेम भी स्टेट्स का इंडियन यूनियन की। छठी बात ये आखिरी में कि ये रेगुलेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और जुडिक्शन भी, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट्स का, और इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं कॉमन हाई कोर्ट दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इन इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बारे में। देखिए पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंडिया में, ये ज़्यादा थियोरेटिकल है देन प्रैक्टिकल, थ्योरी में ज़्यादा है प्रैक्टिकली कम है। रियलिटी में बताऊँ तो जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव इतना नहीं है जितना ये थ्योरी में लगता है। कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जैसे कि बताऊँ आपको तो पार्लियामेंट देखिए इसमें ना ही सिर्फ टाइम है ना ही एक्सपर्टाइज है कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, जो कि इतनी वॉल्यूम में बढ़ गया है, इतना ज़्यादा है और इतना कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल जो है ये हिंडर्ड है टेक्निकल नेचर से, डिमांड टेक्निकल नेचर जो डिमांड और डिमांड्स का है ग्रांट्स के लिए, उसकी वजह से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लेमैन हैं और समझ नहीं पाते इन्हें प्रॉपरली और फुली, ठीक है। अब देखिए जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में लाई करती है, एग्जीक्यूटिव तो मेन है करता धरता, तो इस वजह से सिग्निफिकेंट रोल इनका हाथ हो जाता है पॉलिसी बनाने में। फिर बात ये भी है कि बहुत बड़ा ही साइज है पार्लियामेंट का, ये काफ़ी बड़ा है और मैनेजेबल होना थोड़ा दिक्कत है। अब मेजॉरिटी सपोर्ट इंजॉय करती है एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट और रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटी इफेक्टिव क्रिटिसिज्म की भी, भाई अगर जैसे किसी में बीजेपी की सरकार है बीजेपी की तो वहाँ पे मेजॉरिटी है ना, अब मेजॉरिटी है तो कैसे इफेक्टिव भाई पार्लियामेंट जो है उसमें मामला एग्जीक्यूटिव का बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फाइनेंशियल कमेटी जैसे कि आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये एग्जामिन करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर को आफ्टर इट हैज़ बीन इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, दस दे डू पोस्ट मॉर्टम वर्क। फिर क्या बात है, दो इंक्रीज रिकोर्स है गिलेटाइन का, रिड्यूस करता है इसको फाइनेंशियल कंट्रोल का भी। जो ग्रोथ है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, ये रिड्यूस करती है रोल पार्लियामेंट का बनाने में डिटेल लॉज को और इंक्रीज करने में पावर्स और ब्यूरोक्रेसी को भी। उसके बाद पार्लियामेंट का कंट्रोल ये स्पोरेडिक है, स्पोरेडिक मतलब छोटी छोटी जगह पे है, जनरल और मोस्टली पॉलिटिकल है नेचर में, ठीक है। स्ट्रांग और स्टेडी ऑपोजिशन भी नहीं है पार्लियामेंट में, है ना, तो ये सब मामले हैं यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पोजिशन ऑफ राज्यसभा की। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है राज्यसभा की, अगर आप कंपेयर करो लोकसभा से, तो हम तीन एंगल से इसको पढ़ सकते हैं। पहला कि इक्वल स्टेटस कहाँ कहाँ है उसका लोकसभा के साथ में, फिर अनइक्वल स्टेटस कितना कहाँ कहाँ है लोकसभा के साथ में, और आखिरी में स्पेशल पावर्स लोकसभा स्पेशल पावर राज्यसभा की कहाँ पे पड़ती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वल स्टेटस विद लोकसभा। तो कुछ मैटर्स में जो पावर्स और स्टेटस है राज्यसभा का ये इक्वल है लोकसभा से, जैसे कि अगर इंट्रोडक्शन और पैसेज है किसी ऑर्डिनरी बिल का तो दोनों सेम चलेंगे, इंट्रोडक्शन और पैसेज किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का है तो भी दोनों की सेम पावर रहेगी, इंट्रोडक्शन या पैसेज फाइनेंशियल बिल का है इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो दोनों सेम चलेंगे, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट हो रहा है प्रेसिडेंट का या फिर इलेक्शन या रिमूवल हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, हाउएवर राज्यसभा खुद भी जो है इनिशिएट करती है रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट का, इन्हें रिमूव कराया सकता है रेजोल्यूशन के माध्यम से जो कि राज्यसभा पास करती है एक इफेक्टिव मेजोरिटी से, है ना, जो कि एक तरह की स्पेशल मेजोरिटी होती है एंड अग्री करती है टू बाय द लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी। फिर बात अगर रिकमेंडेशंस हुई करी गई हैं प्रेसिडेंट को रिमूवल करने के लिए चीफ जस्टिस का या जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर या फिर ऑडिटर जनरल के, अप्रूवल है ऑर्डिनेंसेस का जो कि इशू करा गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, अप्रूवल है प्रोक्लेमेशन का तीनों टाइप ऑफ इमरजेंसीज का प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर सिलेक्शन करना हो मिनिस्टर्स का जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो मिनिस्टर्स हैं इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंबर कैन बी मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस, है ना, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंबर हो सकते हैं किसी भी दोनों एक हाउस के, दोनों में से एक हाउस के। हाउ एवर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को। उसके बाद ये भी है कि कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जैसे कि आपका फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वगैरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको कंसिडर करना, और ये भी एक इक्वल स्टेटस मिलता है इनको लोकसभा के साथ में राज्यसभा को,
इन इनलार्जमेंट ऑफ द जस्टिफिकेशन सॉरी इन इनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी। अब देखिए उसके बाद हम बात करेंगे अनइक्वल स्टेटस कहाँ होता है इसका लोकसभा के साथ में। कुछ मैटर्स बताएंगे आपको जहाँ पे अनइक्वल स्टेटस है इसका लोकसभा के साथ में, जैसे कि मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है और राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को, ये रिटर्न कर सकती है बिल को लोकसभा को 14 दिनों के भीतर, 14 दिनों के अंदर इधर रिकमेंडेशन के साथ या बिना रिकमेंडेशन के। लोकसभा ये भी कर सकती है कि एक्सेप्ट भी कर ले रिकमेंडेशन या रिजेक्ट कर दे उन सारी रिकमेंडेशन को, या कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ले राज्यसभा की। दोनों ही केसेस में मनी बिल जो है वो डीम्ड है कि वो पास कर दिया जाता है दोनों ही हाउसेस के द्वारा। फाइनेंशियल बिल जिसमें मैटर्स नहीं होते सोली 110, मतलब मनी बिल के मैटर्स पूरी तरह से नहीं कंटेन होते, ये भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं कराया जाता। बट इस रिगार्ड में इस पैसेज के दोनों ही हाउसेज जो है उनके पास इक्वल पावर होती है। जो फाइनल पावर होती है डिसाइड करने के लिए कि वेदर जो पर्टिकुलर बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, ये स्पीकर के हाथ में है लोकसभा के। जो स्पीकर है लोकसभा के वो प्रिसाइड करते हैं ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस। अब जो लोकसभा है विद ग्रेटर नंबर ये जीत जाती है बैटल को जॉइंट सिटिंग में, एक्सेप्ट व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउसेस इज लेस देन द ऑपोजिशन पार्टीज, तब भी जीत जाती है। राज्यसभा देखिए सिर्फ डिस्कस करती है बजट को बट इस पे वोट नहीं कर सकती डिमांड फॉर ग्रांट पे, जो कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का। जो रेजोल्यूशन जो पास होता है डिसकंटिन्यूएंस के लिए नेशनल इमरजेंसी की कैन बी पास ओनली बाय द लोकसभा एंड नॉट बाय द राज्यसभा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पास करती है और राज्यसभा पास नहीं करती। अब राज्यसभा जो है वो रिमूव नहीं कर सकती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके, ये इसलिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को। बट राज्यसभा डिस्कस जरूर कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है पॉलिसीज और एक्टिविटीज गवर्नमेंट की। उसके बाद हम आखिरी में ये बात करेंगे स्पेशल पावर जो कि राज्यसभा की है। तो देखिए राज्यसभा जो है उनको कुछ स्पेशल पावर भी दी गई है जो कि लोकसभा इंजॉय नहीं करती, जैसे कि ये ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए ऑन द सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में एनुमेरेटेड है, जैसे कि आर्टिकल 249 में है। जो ये ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को बनाने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि कॉमन रहेंगी दोनों ही सेंटर और स्टेट के लिए, आर्टिकल 312 में ये बात लिखी हुई है। उसके बाद ये खुद ही इनिशिएट कर सकती है एक मूव रिमूवल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट का। दूसरे शब्दों में बताऊं तो रेजोल्यूशन जो है रिमूवल के लिए वाइस प्रेसिडेंट का इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में और लोकसभा में नहीं होता, ये बात आर्टिकल 67 में लिखी हुई है। अगर प्रोक्लेमेशन जो है ये इशू हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा इम्पोज करने के लिए किसी नेशनल इमरजेंसी को या प्रेसिडेंट रूल को या फाइनेंशियल इमरजेंसी को एट द टाइम जब लोकसभा जो है वो डिसॉल्व है या डिसोल्यूशन है लोकसभा का विद इन द पीरियड अलाउड फॉर इस अप्रूवल, जो प्रोक्लेमेशन जो है वो इफेक्ट रहेगा इवन इट इज अप्रूव बाय द राज्यसभा अलोन, है ना, तब भी जो है वो प्रोक्लेमेशन चलेगा जब तक कि अगर लोकसभा ने उसको राज्यसभा ने अगर उसको अप्रूव कर दिया है तो। ये बात आर्टिकल 352 356 और 360 बोलती है। एक एनालिसिस जो हमने पॉइंट का करा ये बात तो क्लियर हो गई जो पोजीशन है राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में ये इतनी कमजोर भी नहीं है जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, या फिर इतनी स्ट्रांग भी नहीं है जैसे कि सीनेट की है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में। एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स जो उसका कंट्रोल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे पावर जो है स्टेटस जो है राज्यसभा का बाकी सारे स्फेयर्स में ये काफी हद तक आप कह सकते हो इक्वल है और कोऑर्डिनेट है ये लोकसभा के साथ में। इवन तो राज्यसभा जो है इसमें लेस पावर दी गई है अगर आप कंपेयर करो लोकसभा से, लेकिन इसकी जरूरत जो है इसकी यूटिलिटी जो है वो कुछ ग्राउंड्स पे काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये चेक करती है हैस्टी डिफेक्टिव केयरलेस और इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन को भी, ये बनाती है लोकसभा को बाय मेकिंग प्रोविजंस ऑफ रिवाइज एंड थॉट, ये फैसिलिटेट करती है दे के अपना रिप्रेजेंटेशन एमिनेंट प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स को जो डायरेक्ट नहीं कर सकते इलेक्शन, हु कैन नॉट फेस द डायरेक्ट इलेक्शन, जो डायरेक्ट इलेक्शन फेस नहीं करते। जो प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट्स हैं वो नॉमिनेट करते हैं 12 ऐसे पर्सन्स को राज्यसभा में। ये मेंटेन करती है फेडरल इक्विलिब्रियम कैसे प्रोटेक्ट करके इंटरेस्ट स्टेट्स का अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की तरफ। तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लें। तो देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, ये एक तरह के स्पेशल राइट्स हैं, इम्यूनिटीज हैं, एग्जेम्पशंस हैं जिनको एंजॉय करते हैं दोनों ही हाउसेस पार्लियामेंट के, इनकी कमेटीज भी और इनके मेंबर्स भी। ये देखिए काफी नेसेसरी है, काफी जरूरी है इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए और इफेक्टिवनेस उनके एक्शंस के लिए। बिना किसी प्रिविलेज के जो हाउसेस हैं वो ना ही मेंटेन करते हैं, वो मतलब मेंटेन भी नहीं करते, उनकी अथॉरिटी डिग्निटी एंड ऑनर नॉट कैन प्रोटेक्ट देयर मेंबर्स फ्रॉम देयर एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो है एक्सटेंड करा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को उन सारे पर्सन्स को जो कि इंटाइटल हैं बोलने के लिए, मतलब स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी कमिटीज। इसमें आपके अटॉर्नी जनरल आते हैं इंडिया के और यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं।
ये क्लैरिफाई है यहाँ पे कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो एक्सटेंड नहीं करती प्रेसिडेंट तक के लिए, जो कि एक इंटीरियर पार्ट है पार्लियामेंट का। बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, तो देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहला ये कि दो वो लोग जो इंजॉय करे, मतलब दो वो सारी प्रिविलेजेस जो कि इंजॉय करी जाती हैं हर हाउस के द्वारा पार्लियामेंट के कलेक्टिवली, एंड दूसरी जो कि इंजॉय करी जाती है मेंबर्स के द्वारा ही इंडिविजुअली। सबसे पहले बात करेंगे कलेक्टिव प्रिविलेजेस के बारे में, तो देखिए इट हैज़ अ राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, इनके पास राइट है पब्लिश करने के लिए, अपनी रिपोर्ट्स को, डिबेट्स को और प्रोसीडिंग्स को भी, एंड साथ ही साथ राइट है प्रोहिबिट करने के लिए अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम, कि मतलब अपना तो कर ही रहे हैं है ना, अपने पास तो राइट है ही है कि पब्लिश कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, डिबेट्स को, प्रोसीडिंग्स को, और ये भी राइट है कि प्रोहिबिट कर सकते हैं दूसरों को कि वो ऐसा कुछ पब्लिश नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 का, इसने रिस्टोर कर दिया फ्रीडम प्रेस का, फ्रीडम ऑफ प्रेस को पब्लिश करने के लिए ट्रू रिपोर्ट जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की हैं बिना किसी प्रायर परमिशन के हाउस की, बट ये एप्लीकेबल नहीं रहा इन केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इस प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये एक्सक्लूड कर सकती है स्ट्रेंजर्स को अपनी प्रोसीडिंग्स से, एनहोल्ड कर सकते हैं सीक्रेट मीटिंग्स डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को, ये जो है रूल बना सकते हैं टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, एंड कंडक्ट कर सकते हैं अपना खुद का बिजनेस, अपना कंडक्ट कर सकते हैं एजुकेट करने के लिए ऐसे किसी भी मैटर को, ये पनिश कर सकते हैं मेंबर्स को और बाहर वालों को भी अगर उन्होंने ब्रीच करा है किसी भी प्रिविलेज का, या कंटेम्प्ट बाय रेमिरेंट एडमोनिशन ऑफ इम्प्रिजमेंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मतलब जैसे सस्पेंशन या एक्सपल्शन अगर कोई मेंबर है तो ऐसा भी कर सकते हैं, जेल भी डलवा सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, इनके पास राइट है पाने के लिए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन अरेस्ट की, डिटेंशन, कन्वेंशन, इम्प्रिजमेंट और रिलीज की ऑफ एन मेंबर। उसके बाद ये आपका जो है कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या है कि ये इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इंक्वायरीज, ऑर्डर ऑफ अटेंडेंस ऑफ विटनेस, एंड सेंड फॉर रेलिवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स। जो कोर्ट्स है, द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड, कोर्ट्स यहाँ पर प्रोहिबिटेड है इंक्वायर करने के लिए प्रोसीडिंग्स पे हाउस की या फिर उसकी कमिटीज की। नो पर्सन, कोई भी इंसान, इधर अ मेंबर और अ हाउस, चाहे वो मेंबर हो या आउटसाइडर हो, मतलब किसी को भी अरेस्ट नहीं कराया था, एंड कोई भी लीगल प्रोसेस चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, ये जो है वो सर्व नहीं होता विद द प्रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात करें तो देखिए ये जो है दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ये अगर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का तो आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, एंड 40 डेज बिफोर द बिगनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, मतलब 40 दिन शुरू होने से पहले सेशन के और 40 दिन सेशन खत्म होने के बाद, तब तक के लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ये प्रिविलेज जो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में, और अगर क्रिमिनल केस हुआ है क्या आपका जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन केस हुआ है तो यहाँ पे ये प्रिविलेज अवेलेबल नहीं है। इनके पास फ्रीडम होता है स्पीच का पार्लियामेंट में, नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनी थिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज, मतलब कोई भी इंसान लाइबल नहीं है जो उसने बात कही उसके लिए, क्या फिर जो है अगर उसने किसी को वोट दिया तो उसके लिए भी। ये फ्रीडम जो है सब्जेक्ट है टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद ये दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, इनको एग्जेम्प्ट करा गया है ज्यूरी सर्विस से, ठीक है, ये रिफ्यूज कर सकते हैं देने के लिए एविडेंस और या अपियर होने से एज एन विटनेस के तौर पे अगर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में है तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस की। तो देखिए जब कोई भी इंडिविजुअल या अथॉरिटी डिसरिगार्ड कर देती है, अटैक कर देती है किसी भी तरह की प्रिविलेज, राइट या इम्यूनिटीज को, इधर चाहे वो मेंबर हो या इंडिविजुअली मेंबर हो या फिर हाउस हो कलेक्टिव कैपेसिटी में, तो ऑफेंस को कहा जाता है कि वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है, मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यहाँ पर टर्म दिया गया है और ये पनिशेबल है हाउस के द्वारा। कोई भी एक्ट या ओमिशन जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, उसके मेंबर्स को या ऑफिसर को परफॉर्मेंस करने में उसके फंक्शंस की, या जिसकी विच हैज टेंडेंसी या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स अगेंस्ट द डिग्निटी, अथॉरिटी एंड ऑनर ऑफ द हाउस, इसको आप कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस मानोगे। दो जो दोनों ही फ्रेजेस हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, इनको यूज करते हैं इंटरचेंजेबली, ठीक है, बदल बदल के यूज करते हैं इनके, लेकिन डिफरेंट इंप्लीकेशंस हैं। नॉर्मली देखिए जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है वो अमाउंट करती है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस को, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जो है वो इंक्लूड कर सकता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को भी। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जो है हाउएवर इसमें कुछ वाइडर इंप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस बिना मतलब विदाउट स्पेसिफिकली कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये भी हो सकता है। सिमिलरली एक्शंस जो कि ब्रीचेस नहीं है किसी भी स्पेसिफिक प्रिविलेज की, बट ये ऑफेंसेज है अगेंस्ट द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द हाउस, अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, तो ये यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, देखिए डिसोबीडियंस टू अ लेजिटिमेट ऑर्डर्स ऑफ द हाउस, ये एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है।
बट कैन बी पनिश्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, बट ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के तहत पनिश हो सकती है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ प्रिविलेज के बारे में बताते हैं। तो देखिए ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 105 एक्सप्रेसली ये मेंशन हुआ करता था दो प्रिविलेजेस, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की पार्लियामेंट में, फ्रीडम ऑफ स्पीच की इन पार्लियामेंट, एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इस प्रोसीडिंग्स की। विद रिगार्ड टू अदर प्रिविलेजेस ये प्रोवाइड करती है कि जो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सेम है एज दोस ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इस कमेटीज एंड इट्स मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 अनलेस डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 का है ना, जो कि प्रोवाइड करता है कि दैट जो दूसरी प्रिविलेज है, मतलब द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 प्रोवाइडेड, इसने ये प्रोवाइड करा कि जो दूसरी अदर प्रिविलेजेस हैं हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, उसकी कमेटीज के, उसके मेंबर्स की, टू बी आर टू बी दोज विच दे हैड ऑन अ डेट ऑफ इट्स कमेंटमेंट 20 जून 1979 में अनटिल डिफाइन बाय द पार्लियामेंट, जब तक के लिए पार्लियामेंट डिफाइन ना करे तब तक के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजिशन है विद रिगार्ड टू अदर प्रिविलेजेस ये सेम रहेगी। दूसरे शब्दों में बताएं तो आपको जो अमेंडमेंट हैज मेड ओनली वर्बल चेंजेस, इसमें सिर्फ मुंह से मतलब वर्बल चेंजेस हुआ है, ड्रॉप करके एक डायरेक्ट रेफरेंस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का, बिना चेंज करे इम्प्लीकेशंस में प्रोविजंस की। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो पार्लियामेंट है आज की डेट में इसमें कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बनाया है एग्जॉटिवली कोडिफाई करने के लिए सारी ही प्रिविलेजेस को, दे आर बेस्ड ऑन द 5 सोर्सेज, ये जो है वो 5 सोर्सेज पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसे कहते हैं, वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, तीसरा है रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, चौथा है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, और आखिरी में है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे सोवेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, कितनी आज़ादी है, कितनी क्या है पार्लियामेंट के, वो देखते हैं। जो डॉक्ट्रीन है सोवेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की, ये एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ में। सोवेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट, जो सुप्रीम पावर है ग्रेट ब्रिटेन में वो हाथ में है पार्लियामेंट के, यहाँ पे कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इनकी अथॉरिटी और ज्यूरिडिक्शन पे भी। देयरफॉर जो सोवेनिटी है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ये एक कार्डिनल फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का। अगर ए वी डाइसी के अनुसार देखें तो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट जो थे इनका प्रिंसिपल के 3 इम्प्लीकेशंस हैं। पहला ये कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड सब्सटीट्यूट कर सकती है, रिपील कर सकती है किसी भी तरह के लॉ को। पार्लियामेंट जो है बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को बाय द सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी लॉज, जैसे कि उसने ऑर्डिनरी लॉ बनाया है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी बना सकती है, ठीक है, ये सब ए वी डाइसी की कहना है। तीसरी बात ये कि पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो कैनॉट बी डिक्लेयर इनवैलिड बाय द जुडिशरी एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दो शब्दों में यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है जुडिशियल रिव्यू का ब्रिटेन में, ठीक है, सारी बातें यहाँ पे ब्रिटेन के बारे में बताई हैं इन्होंने। इंडियन पार्लियामेंट के केस में दूसरी तरफ कैनॉट बी रिगार्ड एज अ सोवेरियन बॉडी, आप इसको सोवेरियन बॉडी नहीं कह सकते हो। सिमिलर सेंस में यहाँ पे जो है वो लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं इनकी अथॉरिटी और जुडिक्शन में भी, जो फैक्टर्स हैं जो लिमिट करते हैं इसकी सोवेरिटी इंडियन पार्लियामेंट में, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए सोवेरिटी ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहली बात ये रहेगी रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देख कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल लॉ है लैंड का हमारी भारत में, इसने डिफाइन करा है अथॉरिटी और जुडिक्शन भी सारे तीनों ऑर्गन का, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, नेचर स्टेट गवर्नमेंट हो, मतलब आपका एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ठीक है। ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द नेचर ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दम, हैं जो पार्लियामेंट है इसने हैज टू ऑपरेट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए पार्लियामेंट जो है जो लिमिट्स लगाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसी के अंदर जो है वो काम करता है। यहाँ पे एक लीगल डिस्टिंक्शन भी है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के बीच में पार्लियामेंट की। मोर ओवर टू अफेयर अ सर्टेन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रेटिफिकेशन है हाफ ऑफ द स्टेट का, ये भी जरूरत पड़ती है इसकी कुछ चीज़ों में, मैंने आपको बताया जैसे। अब ब्रिटेन में दूसरी तरफ बताऊँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिटन है और ना ही जो है इसमें कोई भी फंडामेंटल लॉ है लैंड का। दूसरी बात समझिए तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इंडिया देखिए एक फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट की, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है पावर्स का जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में है, दोनों ही जो है वो ऑपरेट करती हैं स्फेयर्स में जो कि उनको अलॉट करा गया है। हैंस जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है पार्लियामेंट की वो पाती है कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट जो कि एनुमेरेटेड है स्टेट लिस्ट सॉरी यूनियन लिस्ट में, ऑन कॉन्करेंट लिस्ट में, और एक्सटेंड नहीं करती अपनी सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में एनुमेरेटेड है ना। एक्सेप्ट कब तक, मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 बताए थे ना, 5 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है जब बना सकती है कुछ वक्त के लिए स्टेट सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट लॉ, ठीक है। ब्रिटेन में दूसरी तरफ बताऊँ तो एक यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है गवर्नमेंट का और सारी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में। फिर थर्ड समझिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो अडॉप्शन हुआ इंडिपेंडेंट जुडिशरी का विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये रिस्ट्रिक्ट करता है सुप्रीमेसी हमारे पार्लियामेंट की। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो डिक्लेयर कर सकते हैं लॉज इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज वॉइड, है ना, ये वॉइड कर सकते हैं लॉज को जो कि इनएक्ट करे गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, और अल्ट्रा वायरस कह सकते हैं, मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं अगर ये कॉन्ट्रावेंट कर रहे हैं किसी भी तरह की प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन की।
दूसरी तरफ यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है जुडिशियल रिव्यू का ब्रिटेन में। जो ब्रिटिश कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट्स हैं वो उन्हें अप्लाई करना पड़ता है पार्लियामेंट्री लॉज को स्पेसिफिक केसेस में, बिना एग्जामिन करें उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, लीगैलिटी या फिर रीजनेबलनेस। और आखिर में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, ये रिस्ट्रिक्ट करती है बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कोड ऑफ अ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स अंदर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं यहाँ आर्टिकल जो 13 है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को बनाने से लॉ जो कि ले सकती है मतलब टोटली या फिर एब्रोगेट करती है एक पार्ट फंडामेंटल राइट्स का। तो ऐसा कोई भी लॉ स्टेट नहीं बना सकती। हैंस पार्लियामेंट्री जो लॉ जो कॉन्ट्रावेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को वो वॉइड हो जाएगा, मतलब जो कि फंडामेंटल राइट्स इंसानों का ले रहा है ऐसा कोई भी लॉ तो वो वॉइड अपने आप ही हो जाएगा। ब्रिटेन में दूसरी तरफ यहाँ पे कोई भी कोडिफिकेशन नहीं है जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ऑल्सो नॉट मेड एनी लॉ, इन्होंने कोई लॉ भी नहीं बनाया है फंडामेंटल राइट्स पे सिटीजन्स की। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रिटिश सिटीजन के पास कोई राइट्स नहीं है। दो यहाँ पे कोई भी चार्टर गारंटी नहीं करता राइट्स, बट यहाँ पे मैक्सिमम लिबर्टी है ब्रिटेन में अपने एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ की वजह से। देयर फोर इवन दो हमारा जो नोमन कल्चर नाम है, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है हमारे पार्लियामेंट का, ये सिमिलर है ब्रिटिश के बराबर, यहाँ पे सब्सटेंशियल डिफरेंसेस भी आपको देखने को अगर मिलेंगे। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवेरियन बॉडी नहीं है इन द सेंस इन विच ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सोवेरियन बॉडी। अनलाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अथॉरिटी और जुडिशन है इंडियन पार्लियामेंट के वो डिफाइंड है, लिमिटेड है और रेस्ट्रेंड है। इस रिगार्ड में इंडियन पार्लियामेंट सिमिलर है अमेरिकन लेजिस्लेचर के, जिसे कांग्रेस कहते हैं। यूएसए में भी जो सोवेरेनिटी है कांग्रेस की लीगली रिस्ट्रिक्टेड है रिटन कैरेक्टर की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन के, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की वजह से और सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू और बिल ऑफ राइट्स की वजह से। तो बस यहाँ पे हमारा ये इतना लंबा चैप्टर कंप्लीट होता है और लाइन बाय लाइन मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें बिना कहीं मत जाए, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ये शेयर करें दोस्तों के साथ में ताकि फ्री एजुकेशन का लाभ सबको मिल सके। सब्सक्राइब करें चैनल को और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं फेसबुक पे तो सिर्फ आईएस के नाम से है पेज, ज़रूर जाके देखें। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे की सारे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, प्लीज़ जाएँ वहाँ पर चाहिए और ज़रूर देखिए उसको, डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।